बहुत बहुत धन्यवाद जी। नगर पंचायत पिंड सराबा स्पोर्ट्स क्लब, सराबा पिंड दियां होर महान शख्सियतां, सन्मानित लोग, शहीदां दी धरती दे लोग, इनकलाबी जज्बा रखने वाले वतन प्रस्त लोग, जिन्हें भी तुसी अज इत्थे शहीद करतार सिंह सराबा जी नूं शरदा दे फुल भेंट करन आए हो, नतमस्तक होण आए हो, तुहाडा चल्लिया होया एक एक कदम उन्हां शहीदां दी आत्मा नूं सकून देऊगा। फुटबॉल दे मैच चल रहे ने, हॉकी दे मैच हुंदे ने, बड़ा सोहना ग्राउंड है और ये उन्हां शहीदां दी देन है जिन्हां करके ये पिंड जिहड़े ने ये पूरी दुनिया के विच जाने जाते हैं, चाहे वह खटखड़ कलां होवे, चाहे वह सराबा होवे। तां आम तौर पर मैं अज क्योंकि मैं कोई शक्ति प्रदर्शन करने आया, मैं एक सांझे फंक्शन पर आया, मैं कोई राजनीतिक गल नहीं करूँगा, राजनीतिक गल करन वास्ते कदे होर कदे स्टेज ला लांगे आपां, पर अज क्योंकि शहीदां दा दिन है, वो सब दे सांझे हुंदे ने, वो पूरे देश दे हुंदे ने, शहीद एक परिवार तो उठ के पूरे देश उन्हां दा परिवार बन जांदा है। अज इत्थे प्रबंधकी कमेटी दे विच बहुत सारे मैंबर साहब बहुत वख वख पार्टियां नूं बिलोंग करते होणगे, रीप्रजेंट करते होणगे, उन्हां दा भी स्वागत करदे। मैनूं पता लग्या कि इत्थे इस तों पहलां कदे भी कोई मुख्यमंत्री शरदा दे फुल भेंट करन नहीं आया। मैनूं कोई बहुती हैरानी नहीं होई क्योंकि कुछ लोग हुंदे ने अजे जिहड़े शहीदां दीआं कुरबानीआं नूं भुल जांदे ने, और जिहड़ियां कौमां शहीदां नूं भुल जाण उह कौमां उजड़ जांदियां ने, वसदियां नहीं उह कौमां। तुसी इन्ना मान सम्मान मैनूं इत्थे आ के दित्ता क्योंकि मैं खुद एक पिंड चों उठिया होया, एक किसान दा बेटा, कबड्डियां खेड खेड बड़े होए आ, तां अज आ मैच है, CRPF की टीम मिली है, दूजी टीम मिली है, और जज्बा इत्थों बहुत सारे बच्चे जिहड़े ने वो अपने चिंगाड़ी जिहड़ी उन्हां दे अंदर है उन्हूं भांबड़ बना के लेके जाणगे कि मैं भी इहो जिहा प्लेयर बनूंगा, मैं भी इहो जिहा फॉरवर्ड बनूंगा, मैं डिफेंडर बनूंगा, मैं गोलकीपर बनूंगा। करतार सिंह सराबा जी ने लिखा सी, सेवा देश की जिंदड़ी है बड़ी औखी, गल्लां करनियां ढेर सखलियां ने, जिन्हां देश सेवा विच पैर पाया उन्हां लख मुसीबतां झल्ली जांदे। तुहाडे सामने CRPF की टीम ने गोल किया और मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हाँ, मैं जिथे भी जाना कोई मैच होवे फुटबॉल का, टेनिस का, हॉकी का, जो मैं मौका मिलता मैं देखदा। तो जे कि फुटबॉल वर्गिया खेडा, हाकी वर्गिया खेडा, जिमनास्टिक, गोला सुटना, लंबी दा छाल, उच्ची छाल, ये प्रफुल्लित कर लिए दोबारा, तो पंजाब के कई प्लेयर ओलंपिक के पोडियम से खड़े थोनों मिलने। असी खेडा वतन पंजाब दियां शुरू किया जिदे विच लखां खिडारियां ते खिडारना ने हिस्सा लिया, स्कूल पद्धर तो लैके कल नूं गुरु नानक स्टेडियम दे विच उहदा समाप्ति समारोह है, जरूर आउणे आ। एक मैं एक बहुत वड्डी अज खुशखबरी तुहाडे लई लैके आया इस दिन ते, मैं चाहूँगा ये एक मिनट लई मैच रोक दिता जाए, तो थोड़ा जिहा प्लेयरां नूं भी
एक मिनट ले, ज्यादा नहीं। हेलो, बेनती है जी, सीएम साहब वालों हुक्म होया भी थोड़ी देर लिए मैच रोक दिता जाए। एक मिनट लिए रोक दियो प्लीज। सो मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी अज करतार सिंह सराभा जी दे शहीदी दिवस ते लैके आया तुहाडे लई कि 161 एकड़ जमीन अक्वायर हो गई, बाउंड्री वाल भी बन गई, टर्मीनल पंजाब सरकार ने बनाने का फैसला कर लिया, वो वास्ते पैसे जारी हो गए, लगभग 48.9 करोड़ रुपया लगेगा, तो केंद्र सरकार नाल सहमति बन गई। बहुत जल्दी थानू हलवारे का एयरपोर्ट जिहड़ा है वो चलता मिलेगा। एक बारी जोरदार ताड़ियां, बहुत बहुत धन्यवाद मानयोग मुख्यमंत्री जी का जिन्होंने बहुत बाकी सारिया फॉर्मैलिटियां हो गई, बस बिल्डिंग का काम असी पंजाब सरकार करूगी, असी बिल्डिंग बनावांगे, शानदार बिल्डिंग बनावांगे, और उस तो बाद जिहड़ियां फॉर्मैलिटियां होणगियां केंद्र सरकार दी एविएशन मिनिस्ट्री ने वह भी पूरियां करांगे। इस तरह ही किन्ने चिर तो लटकया पिया सी मोहाली वाले एयरपोर्ट का नाँ शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं, क्योंकि इन्हां दे नाँ ते जे आपां कोई यूनिवर्सिटियां एयरपोर्ट जां कोई संस्थावां नहीं बनावांगे तां शायद फिर इन्हां दी कुरबानी नूं आपां इहदा मतलब छोटा करके अंक रहे हां। सो मैं अज तुहाडे सामने अनाउंसमेंट कर रहा कि हलवारे का जिहड़ा एयरपोर्ट है वह बड़ी जल्दी सिविल एयरपोर्ट के बदल जूगा, तो उत्थे बहुत सारा काम आऊगा, बहुत सारा रोज़गार आऊगा, फ्लाइटा आनगियां इंटरनेशनल, तो लुधियाना जिहड़ा हब है इनू होर व्यापारियों को भी फायदा हो, दुकानदारों आम बंदियों और इलाका जिहड़ा है ये पूरी दुनिया च वसदा है, इस इलाके पिंड इन पिंडों के लोग पूरी दुनिया च वसते हैं, कैलीफोर्निया तो लैके न्यूजीलैंड तक, उन्होंने भी सौखा हो जू अपने पिंड ही उतरना है। सो बाकी पंचायत वालों नगर पंचायत वालों कोई मंग पत्र जे कोई किसी काम का, क्योंकि मैं धार नहीं करता, मैं तो नगद च ही विश्वास रखता जी। हाँ जी, हाँ जी, कट्ठे नहीं मंगा ने। अच्छा जी, स्कूल ऑफ एमिनेंस, अच्छा जी, हाँ वो नामकरण का बाद हो गया, पहला साडा जो फॉर्मैलिटियाँ बनाने दी हो फिर नामकरण दी हो, हाँ जी वो करांगे मेरे यार। सो ये जिहड़ी पहली मंग है सीनियर सैकेंडरी स्कूल नूं स्कूल ऑफ एमिनेंस का दर्जा दिता जाए, कल्ले दर्जे नाल नहीं जी, इहनूं एमिनेंस पहलां बनावांगे, उस तो बाद इहदे अगे लिखांगे, असीं नींह पत्थर पहलां नहीं रखते, असीं नींह पत्थर काम होए तो बाद रखते हैं जी। सो इस करके ये एमिनेंस स्कूल जिहड़ा दर्जा वो उदों मिलेगा जदों बन गया जी, हाँ भी बन गया, लोग देखण आउण इस स्कूल नूं, फोटो करा के जाण इत्थे आ के लोग के इह जिहा स्कूल है, तो साडा स्कूल जिहड़े ने वो साडी प्रायोरिटी च ने, पहली मंग तुहाडी बिल्कुल। ते बाकी सीनियर सैकेंडरी स्मार्ट स्कूल की बिल्डिंग हाल खस्ता है, आ देखो ना फिर ना समार्ट लिखता बिल्डिंग है नहीं, यही फर्क है बस, कल्ले समार्ट लिखण नाल नहीं बनना ना, अंदर भी कुछ होना चाहिए। सो बिल्डिंग बनावांगे पहले उन्होंने समार्ट बनावांगे फिर दोबारे लिखांगे, होर रंग ना लिख देंगे आप, ठीक है ना। तो एयरपोर्ट का तुसीं मैनूं दस ही दिता है, तो यदा असी सारा फॉर्मैलिटियां जिहड़ियां अपने वालों पूरियां करांगे, तो नाल नाल लैक्चर्स दीआं सामियां जां शरीरक सिक्ख्या दे ग्रुप दीआं लैक्चरार दीआं सामियां ने, ये भी तुहाडी मंग है, असी बहुत सारे टीचर भर्ती कर रहे हैं नवें, ताकि क्योंकि देखो पीटी मास्टर जे डीपी मास्टर स्कूलों चो पोस्टें ही खत्म हो गई, कौन खड़ाऊगा जिमनास्टिक, कौन खड़ाऊगा कबड्डी, कौन खड़ाऊगा। सो ये असी जो खेडां वतन पंजाब दीआं नाल असी जिहड़ा एक थोड़ा जिहा इनीशिएटिव लिया उहदे बहुत वधिया नतीजे ने, और पीटी डीपी मास्टर जिहड़े ने असी जिन्ने भी डिजर्व करदे ने उह रखे जाणगे, ते जिन्नियां भी तुहाडियां मंगां ने मैं मैंने एक नंबर फोन नंबर दे दो, ये कोई कॉन्टैक्ट नंबर किसी का भी, तो बाकी गंदे पानी वाला सीवरेज का देखो आही दुख होंदा है, 75 साल हो गए याद होया नू, अमरीका वाले मंगल ग्रह से प्लाट कट्टण नू फिरदे, असी हजे सीवरेज तक ही फिरदे हाँ,
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੂਪਰ ਉੱਠਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿੱਥੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੰਡਰ 14 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਇਹ ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਬਣ ਜਾਣ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗਾ ਠੀਕ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਆ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਓ, ਹੈਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਾਕੀ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਮੁਗਦਰ ਚੱਕਣਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਦਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਮੁਗਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਆ, ਮਧਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੋਡੈਸਟੋ, ਜਿੱਥੇ ਮੋਡੈਸਟੋ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੈ ਉਹ, ਜਿੱਥੇ ਛਾਪਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰੀ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤਾਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ, ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਲਈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਾਇਲਟ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਇਹ ਮੁਲਕ। 130 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ 5, 10, 15, 20 ਜਾਂ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸਮਾਨ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ 17, 17, 18, 18 ਸਾਲ, 19, 19 ਸਾਲ ਦੇ ਜਵਾਕ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਮ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧੇ, ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ, ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਨੇ, ਅਸਲੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ, ਪਰ ਜੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਜੂਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਦਵਾਉਣਾ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੱਖ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆਏ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਬਣਾਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ,
पर नाल एक सलाह भी दिना कि पहले नंबर पर आके हंकार नहीं करना, क्योंकि पहले नंबर पर आने वाली टीम च सब तो वड्डा योगदान दूजे ते तीजे वाली दा हुंदा जे ओह ना हुंदे मुकाबले ही नहीं होना सी। सो इस करके हंकार नहीं करना, जित हार हुंदी रहिंदी है, गेम नहीं हारनी चाहिए, फुटबॉल की गेम नहीं हारनी चाहिए, कबड्डी की गेम नहीं हारनी चाहिए, हाकी की गेम नहीं हारनी चाहिए, मैच हार जित चलती रहती है, कोई गल नहीं। सो मैं बहुत बहुत सारे बहुत बहुत बधाई दिना अज के इस जिहड़ा मैच हो रहा टूनामेंट हो रहा, प्रबंधकी कमेटी ने बहुत शानदार प्रबंध किए हुए हैं, अलग अलग प्रोग्राम चल रहे हैं, उधर किसान यूनियन वालों भी चल रहे हैं। यही है, हर बंदा अपने तरीके शहीदों शरदा के फुल पेंट करना आता है, यही खास चीज़ है बस, क्योंकि शहीद किसी एक कौम के नहीं होंगे, किसी एक फिरके दे नहीं होंगे, किसी एक राज दे नहीं होंगे। सो मैं चाहूँगा कि दोनों हाथ उपर चक के दो नारे शहीदों के लाइए, ताकि उन्होंने आत्मा सुकून मिले कि है हजे जिन्होंने साढ़े वाला दीवा जगाई रखे। इनकलाब इनकलाब बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत मेहरबानी, दोबारा फिर मिलते रहेंगे। लोगों को अक्सर कहते सुना है कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, लेकिन मेरे दिल ने कहा है मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जिंदे वसदे रहो, तरक्कियां करो और खुशियां आउण, पंजाब को गुबसे। बहुत बहुत धन्यवाद।